अस्सलाम वालेकुम जनाब, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है और सूरज कुछ ज़्यादा ही आग बरसा रहा है। जैसा कि पीछे देख सकते हैं यार, ये सूरज की शुआएं कुछ तेज़ ही हो रहे हैं आज। तो मैं आज आप लोगों को लेके एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी जगह लेके जाऊँगा, क्योंकि आप लोग उधर देख के ही, आपके मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन से ही आप लोगों के आंखों को ही ठंडक पहुँचेगा और मुझे भी कुछ गर्मी को मात देने का कुछ मौका मिलेगा। तो चलो जनाब, आप लोगों को लेके चलता हूँ। आप लोगों के पास कोई ना कोई ऑप्शन तो आई थिंक नहीं होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ पे रह के चतराल में रह के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं ये जन्नत नज़ीर जैसे गांव दमून में हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि तकरीबन 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मैं ठंडा दार यख पानी में जाके नहा सकता हूँ। चलो आपको भी ले कर चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ठंडक के लिए बैठे हैं। ठंडक के लिए बैठे हैं, यहाँ पे ठंडा फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के पानी के पास। ठंडा पानी। और आप बताएं, कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ तो कहें। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं सामने, यहाँ पे सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ पड़ता है, फिर वो ग्लेशियर की सूरत अपनाता है, वो फिर स्लोली स्लोली मेल्ट होकर फिर वो इसी तरह वाटर चैनल्स के थ्रू इस तरह यूँ यहाँ पे गांव में आ जाता है। और ये गांव की सारी नीड इसी से पूरा होता है, लाइक खेती बाड़ी के और डिफरेंट जो पीने के और डिफरेंट जितने भी नीड्स हैं पानी के, वो इस थ्रू जो है ना पूरा पूरा हो जाता है। और ये इसी तरह बह के गाँव में आ जाता है और जितने भी हमारे नीड्स हैं, लोगों के नीड्स हैं, वो इसी तरह कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी की जो दर्जे हरारत है ना, वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे लोग गर्मियों में इधर आके इधर यहाँ पे सुकून के लिए इस तरह इधर आते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरह लेट रहे होते हैं इधर, ताकि गर्मी फील ना हो और फुल पीसफुल इन एनवायरनमेंट में आराम से सो रहे होते हैं। पहाड़ है जनाब, और इस पहाड़ के साए में यहाँ पे जो लोकल्स बॉयज़ हैं इधर बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, जब मैं आपको दिखाऊंगा। जी जनाब, आप इधर क्यों बैठे हैं इस पानी के साथ साथ? क्यों गर्मी आपको ज़्यादा फील हो रही है क्या? गर्मी बढ़ गई है तो इधर आके अच्छा फील होता है, पानी बह रहा होता है साथ। ये काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है जनाब, ये राइट साइड पे सारे पहाड़ हैं भाई, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो नीचे पूरी खाई है। और ये बारीक सी जो पट्टी है, यहाँ से आपको गुजर के यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कहीं पे भी आपका पाँव जो है ना मिस स्टेप हो गया तो फिर आप डायरेक्ट नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे तो क्या ही होगा। तो फिर जनाब इन्या लीला वही नहीं ले रहा जूँ, फिर तो बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि देख रहे हैं कितना खाई है नीचे। यहाँ पे चलने के बाद तो मुझे तो काफ़ी गर्मी फील हुई है और पसीने भी आए हैं, तो मैंने यहाँ पे इरादा कर लिया कि बस मैंने अब यहाँ पे नहाना है जनाब। ये नीचे स्विमिंग पूल सा बना है नेचर, तो इधर चलते हैं और इधर स्विमिंग कर लेते हैं, नहा लेते हैं, अवसर हो जाते हैं। ये रास्ते हैं जनाब।
खुदा बनता भी है। मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि भाई समर्स में आप लोग ज़रूर नॉर्थ आएँ और नॉर्थ में आके कुदरत के इन हसीन मनाजे से ज़रूर बताओ। जनाब बहुत नाली आप चलते हैं घर की जानिब और ये शूज़ और शर्ट मैंने सुखाने के लिए इधर रखा हुआ था, इसको सुखाते हैं शर्ट को फिर शूज़ वगैरह पहन के फिर निकल पड़ते हैं क्योंकि स्विमिंग तो बहुत हो गई और आई थिंक काफ़ी आज के लिए थी स्विमिंग। मेरे चारों इर्द गिर्द सारे जनाब माइटी हिल से पहाड़ों से सारे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में ये ग्लेशियर का बहता हुआ ये आबशार और ये व्यूज़ जनाब कहाँ मिलेंगे आपको, ये व्यूज़ कहाँ मिलेंगे। आए जनाब एक बार ज़रूर आए नॉर्थ में चतराल में समर्स में अपने फैमिलीज और अपने चाहने वालों को इधर लेके आएँ और ज़रूर कुदरत के इन मनाजिर से ज़रूर लुत्फ़ अपना दोस्त अपना भाई काजी शुजा को इधर दीजिएगा इजाज़त। फिर कहीं दूसरे व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, जाते जाते हुए अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए फिर कहीं और मिलते हैं, तब तक के लिए जनाब अल्लाह ने